ठीक है। तो दो काम हम लोग को करना है, एक तो अभ्यास एक के संदर्भ में जो समअप करने की बात थी वो हम लोग कर रहे हैं, और जो प्रश्न आएंगे उसको हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम यह हुआ है पिछले एक महीने में कि हमारा ध्यान स्वयं पर गया है। अभी तक हमारा अभ्यास ज्यादातर बाहर देखने का था, तो बाहर हम ध्यान देते थे, बाहर की चीजों को समझने की कोशिश करते थे, बाहर की चीजों को ठीक करने की कोशिश करते थे, ऐसा क्रम मुख्य रूप से चल रहा था। और ये अपेक्षा बनाए हुए थे कि हम बाहर अगर चीजें ठीक हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, दूसरों से भाव अनुकूल मिलने लगे तो सुखी हो जाऊंगा, सुविधाएं हो जाए उससे अनुकूल संवेदना मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मानकर सारा हम लोग अभी तक प्रयास में लगे थे। हम लोगों को अगर ध्यान होगा आप लोगों को कि जो चर्चा हम लोगों ने शुरू की थी वो इस बात से शुरू की थी कि सुख हमारा स्वभाव है या प्रभाव है, तो इस बात से बात शुरू किया था। ये जो हमारी निरंतर सुखी होने की चाहना है, उस सुख का आधार हमारी अपनी स्थिति है या बाहर से पड़ने वाला कोई प्रभाव है। तो अभी तो देखते हैं तो ज्यादातर समय हम तो सोचते हैं कि अनुकूल प्रभाव से हम सुखी हो जाएंगे, और उसकी जो दो कैटेगरी बताए, एक तो बाहर से सुविधा है ना को सुनिश्चित करके शरीर के माध्यम से कोई अनुकूल संवेदना पाके हम सुखी हो जाएंगे, अच्छा भोजन करके सुखी हो जाएंगे या अच्छा गाना सुन के सुखी हो जाएंगे, एक तरीका ये मानते हैं। दूसरा तरीका ये मानते हैं कि दूसरे से अगर हमको सही भाव मिल जाए, सम्मान मिल जाए, विश्वास मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, नोबेल प्राइज मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, भारत रत्न मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये दूसरा तरीका हम मानते हैं। अच्छे कपड़े पहन कर जाएंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये सामयिक रूप से क्षणिक रूप से सुखी होने के लिए तो ये तरीके काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनसे निरंतर सुख मिलता नहीं है, ये हम सबका एक्सपीरियंस पहले से ही है, उसमें कोई बात करने की जरूरत नहीं। ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उस पर हम लोगों ने बात शुरू किया था कि क्या सुख हमारा स्वभाव है, ये जो निरंतर सुख है आनंद है ये हमारा स्वभाव है क्या, इसको समझने का प्रयास हम लोगों ने किया। आपसे सीधा सीधा पूछा था हम लोगों ने, और आप में से ज्यादातर लोगों को अपने अंदर देखने पर तो ऐसे लगा कि ये स्वभाव ही है या होना बनता है, लेकिन है क्या उसको हम लोग धीरे धीरे अभी अध्ययन कर रहे हैं। उसी के तहत अभ्यास एक पर हम लोगों ने काम किया। तो सुख स्वभाव है इसको जब देखने जाते हैं तो ये पता लगता है कि हम अपने भाव के आधार पर सुखी दुखी होते हैं, और भाव को सुनिश्चित करने के लिए सही समझ जरूरी है। तो सही समझ और सही भाव के आधार पर हम अपने में सुखी होते हैं, एक क्षण भी हमारा भाव बिगड़ जाए तो हम दुखी होते हैं। तो अगर स्वभाव के रूप में देखें हम सुख को, तो हमको अपने में सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित करना बनता है। ये सुनिश्चित हो जाएगा तो हम अपने में हर क्षण सुखी हो सकते हैं। ये बात हम लोगों ने पहले वर्कशॉप में भी की है, और उसको यहाँ पर हम लोगों ने यह कहा कि ये जो बात हम लोगों ने वर्कशॉप में समझने की कोशिश की थी, अब उसको सीधा सीधा अपने में देखने की कोशिश करेंगे कि ये बात सही है कि नहीं। तो उसके दृष्टि से ये कहा था कि ये जो सही समझने का और सही भाव सुनिश्चित का करने का काम है, उसको हम अपने में करने का प्रयास करेंगे। उसके संदर्भ में हम लोगों ने ये कहा कि सही समझने के लिए आवश्यक है कि जिन वास्तविकताओं को हम समझना चाहते हैं उसको हम देख पाए, देखने के लिए आवश्यक है कि हम उस पर ध्यान दे पाए। तो क्रम से देखेंगे तो ध्यान देना, ध्यान देकर देखना, देखकर समझना,
समझ कर सुखपूर्वक जीना, ऐसा पूरा क्रम बनता है। तो ध्यान देने की बात से हम लोगों ने शुरू किया था और ये कहा कि ध्यान देने की क्षमता तो हम सब में है ही, सिर्फ निर्णय लेने की बात है कि हम किस चीज पर ध्यान देंगे। तो हमको समझना है हमारे जीने के पूरे विस्तार को, ताकि हर जगह हम हमारा समझ और भाव ठीक हो सके और उस आधार पर हम अपने में सुखी हो सके। तो उसके दृष्टि से हम लोगों ने ये पहचाना था कि समझने का विस्तार कितना होगा। तो उसको देखते हैं तो पता लगता है कि समझने का विस्तार जो है वो अपने से लेकर हमारा जीने का जितना भी फैलाव है उन सब चीजों को हमको समझना जरूरी है। और क्योंकि ये फैलाव पूरे अस्तित्व तक है, ये सब जगह हमको व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है। ये पूरे अस्तित्व को देखते हैं तो दो प्रकार की चीजें दिखती हैं, एक तो इकाइयां दिखती हैं और दूसरा ये शून्य दिखता है, व्यापक दिखता है। और सारी इकाइयां शून्य में दिखाई पड़ती हैं। तो शून्य में इकाइयों का होना, इस रूप में पूरा अस्तित्व दिखता है। और इकाइयों को जब देखते हैं तो जड़ इकाइयां और चैतन्य इकाइयां दिखती हैं। तो मूलतः देखेंगे तो तीन प्रकार की ये वास्तविकताएं हमको दिखती हैं, जड़ इकाइयां, चैतन्य इकाइयां और इनका शून्य के अस्तित्व में होना। तो अगर हम अपने को समझना चाहते हैं, अपने जीने के पूरे फैलाव को समझना चाहते हैं, तो इन तीनों चीजों को समझना जरूरी है। तो उसको समझने के दृष्टि से हम लोगों ने ये कहा था कि अभी तक हम लोग विचार के रूप में चीजों को देख रहे थे, अब क्या हम सीधा सीधा इन चीजों को देख सकते हैं? क्या हम जड़ इकाई को सीधा सीधा देख सकते हैं, चैतन्य इकाई को सीधा सीधा देख सकते हैं, अस्तित्व को सीधा सीधा देख सकते हैं? ये हम लोग के लिए सवाल था। और उसके रिस्पांस में हम लोगों ने कहा था कि इनको सीधा सीधा देखने वाला काम हम लोग करेंगे, करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो ये काम शुरू किया था। तो उसमें कहा था कि क्रम अगर देखेंगे तो पहले जड़ इकाई से शुरू करें या चैतन्य इकाई से शुरू करें। तो ये कहा कि चैतन्य इकाई से शुरू करते हैं। इस कारण से शुरू करते हैं क्योंकि देखने वाला भी चैतन्य इकाई है, इसलिए पहले उसको ठीक से देख लेना, समझ लेना जरूरी है। तो उससे ये भी निकला गया कि हमारा देखने का काम भी ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए चैतन्य इकाई को देखने से काम शुरू किया था, स्वयं को देखने से काम शुरू किया था। और देखने वाला तो मैं स्वयं ही हूँ, तो हर समय देखने वाला तो स्वयं ही हूँ। देखने की वस्तु हम खुद अपने को बना सकते हैं, शरीर को बना सकते हैं, किसी जड़ वस्तु को बना सकते हैं, पूरे अस्तित्व को बना सकते हैं। तो उसी को तीन भाग में हम लोगों ने बांटा था। नंबर एक ये कहा था कि हम स्वयं के द्वारा स्वयं को समझने का काम करेंगे। नंबर दो में कहा था स्वयं के द्वारा हम शरीर को समझने का काम करेंगे, शरीर के जो साथ जो आदान प्रदान हो रहा है उसको समझने का काम करेंगे। और नंबर तीन में अस्तित्व को समझने का काम करेंगे, ये जो जड़ चैतन्य इकाइयों का शून्य में होना है उसको समझने का काम करेंगे। हम लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग पहले दो काम को भी करेंगे, धीरे धीरे हमारी योग्यता विकसित होगी तो कभी तीसरे काम को भी करेंगे। तो पहले दो काम को हम लोग दो अभ्यास के रूप में कर रहे हैं। अभ्यास एक में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का काम कर रहे हैं, चैतन्य के द्वारा चैतन्य को देखने का काम कर रहे थे। अभ्यास दो में स्वयं के द्वारा शरीर को देखने का, शरीर के साथ जो आदान प्रदान हो रहा है और उसी के माध्यम से बाहर की दुनिया से भी जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का काम करेंगे। पिछले महीने भर में हम लोगों ने स्वयं को देखने का काम शुरू किया और उसमें हम सब की थोड़ी बहुत तो गति हुई ही है। तो जो कुछ हम देख पाए उसका एक बार निष्कर्ष हम अपने साथ स्पष्ट कर लेते हैं, उसके संदर्भ में कोई प्रश्न है तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ताकि आगे हम लोग शरीर के साथ जो हमारा आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने वाले काम को विधिवत कर पाए। एक जो महत्वपूर्ण बात हुई है अगर इस पूरे काम में देखेंगे तो वो ये हुआ कि अभी तक हमारा ध्यान बाहर जाता था, जाने लगा है। अभी बाहर ध्यान जाता था, सुविधा पर ध्यान था, दूसरे लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं कि नहीं इस पर ध्यान था, शरीर पर ध्यान था, शरीर स्वस्थ है कि नहीं, शरीर सुंदर दिख रहा है कि नहीं, बाल काले हैं कि नहीं, ये सब बातों पर बहुत सारा ध्यान था हमारा।
अब धीरे धीरे हमारा अपने पर ध्यान जाने लगा है, हमारे में क्या भाव चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, ये भाव हमको सहज स्वीकार है कि नहीं है, इस भाव के साथ मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ, इन सब बातों पर ध्यान जाने लगा है। तो एक बड़ी उपलब्धि क्या हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, वो हिसाब किताब नहीं रखते। अब वो उस पर हमारा ध्यान गया है, उसको भी अब हम ध्यान देने लगे हैं, देखने लगे हैं, समझने लगे हैं। तो ये एक बड़ी शिफ्ट हुई है पिछले एक महीने का जो भी प्रयास हुआ उस। अभी जब अपने को देखने जाते हैं तो ये बातें तो बहुत सारी डिटेल हम लोग किए थे कि स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का जब काम हम कर रहे हैं तो उसमें शरीर को या आंख को शामिल मतलब लगाने की जरूरत नहीं है, उनको हम आराम दे सकते हैं, हम सीधा सीधा अपने को देख सकते हैं। तो देखने वाला भी मैं हूँ और जिस चीज को मैं देख रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ, इसलिए सीधा सीधा मैं के द्वारा मैं को देख सकते हैं, स्वयं के द्वारा स्वयं को देख सकते हैं, चैतन्य के द्वारा चैतन्य को देख सकते हैं, बिना शरीर को बीच में लाए हुए, बिना आंखों को बीच में लाए हुए। तो उनको हम लोगों ने तय किया कि भाई उनको आराम देंगे और सीधा सीधा हम देखना शुरू करें। सीधा सीधा देखने गए तो ये बात है कि क्या देखेंगे, मैं को देखना है तो क्या देखने से शुरू करेंगे। तो ये कहा कि जो हमारी कल्पनाशीलता चल रही है हर क्षण हमारे में, जो इच्छा विचार आशा चल रही है, जो कि चल ही रही है, अभी तक हम उस पर ध्यान नहीं दिए थे तो देख नहीं पाते, अभी ध्यान देंगे तो देख पाएंगे। तो इच्छा विचार आशा को, कल्पनाशीलता को देखना है, यहां से बात हम लोगों ने शुरू की। तो एक्सरसाइज वन में स्टेप वन पे जो काम हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस क्षण मेरे में जो भी भाव विचार चल रहा है, जो भी कल्पनाशीलता चल रही है, उसको देखने का काम कर रहे हैं। तो इस काम को हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं और हम सब ये तो दिखने ही लगा होगा कि हमारे अंदर कल्पनाशीलता चल ही रही है, और जब भी ध्यान देते हैं तो दिखता है कि चल ही रही है, तो ये भी अनुमान लग सकता है कि वह निरंतर चल रही है। अपने पर ध्यान देते हुए, अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देकर देखते हुए दो तीन बातें हम लोग को महत्वपूर्ण दिखाई पड़ी थी। एक तो ये था कि जब हम ध्यान दे रहे हैं तो ध्यान देकर देखना है कि क्या कल्पनाशीलता चल रही है, क्या भाव विचार चल रहा है, लेकिन अभी उसका मूल्यांकन नहीं करना है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ना तो उस पर जबरदस्ती उसको बनाए रखने का कोशिश करना है, ना उसको हटाने की कोशिश करनी है, सिर्फ उसके प्रति होश में आना है, उसके प्रति जागरूक होना है, उसके प्रति सजग होना है, इतना ही काम है। तो स्टेप वन जो है बहुत सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। सिंपल इस दृष्टि से है कि ध्यान देने की क्षमता हमारे में है ही, और जो वास्तविकता है वो भी है ही, हमको सिर्फ ये निर्णय लेना है कि हमको इस वास्तविकता पर ध्यान देना है। वो निर्णय लेते हैं तो हम देख पाते हैं। तो इतना आसान काम है, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि धीरे धीरे हमको पता चलता है। और अभी जब हमने स्टेप टू और थ्री पे काम किया तो ये पता लगा कि जब भी हमारे में कोई सहज भाव होता है तो हम सुखी होते हैं, एक क्षण के लिए भी असहज भाव होता है तो हम दुखी होते हैं। तो ये जो भाव विचार मेरे में चल रहा है उसको देखना सिंपल तो है लेकिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी के आधार पर हमारा सुख दुख निर्भर करता है। तो अपने भाव विचार पर ध्यान देना, अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके आधार पर हमारा सुख दुख निर्भर करता है। तो ये सिंपल है, सरल है, लेकिन महत्वपूर्ण है। क्या चीज? अपने भाव विचार पर ध्यान देना, अपने कल्पनाशीलता पर ध्यान देना, स्वयं को देखना, और स्वयं के देखने के क्रम में इस काम को करना। तो इस पर हम लोग काम शुरू किए थे, इस पर कई सारे प्रश्न बीच में आए थे ना, कि जो है ध्यान देने जाते हैं तो ध्यान हमारा कहीं और चला जाता है। तो उस सब को हम लोगों ने देखा था कि ध्यान तो चला ही जाएगा,
क्योंकि जिस चीज को हम महत्वपूर्ण मानते हैं उस पर ध्यान देते हैं। अभी तक बाहर की चीजों को महत्वपूर्ण माना था, ये बार बार ध्यान उस पर जाता रहता है। अभी धीरे धीरे ये दिख जाएगा कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरी कल्पना चलता महत्वपूर्ण है, मेरा भाव विचार महत्वपूर्ण है, तो उस पर ध्यान जाने लगेगा। तो उसके पहले अपने को निर्णय पूर्वक इस काम को करना है। जब हम निर्णय पूर्वक करेंगे तो दिखता है कि हमारा भाव विचार महत्वपूर्ण है, हमारी कल्पना चिंता महत्वपूर्ण है, उसी के आधार पर हम सुखी दुखी हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उस पर ध्यान जाने लगेगा। लेकिन जिन चीजों को अभी तक हमने महत्वपूर्ण माना था, तो जब भी वो दिखता है कि अभी अपने पर ध्यान देने से ज्यादा महत्वपूर्ण उन पर ध्यान देना है, तो हमारा ध्यान उन पर चला जाएगा। बट उसको लेकर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, खींचतानी करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं। ध्यान जहाँ चला जाए जाने दें, देख लें कि ध्यान कहीं और चला गया है। अपने निर्णय को बनाए रखें कि हमको अपने पर ध्यान देना है, अपनी कल्पना चिंता पर ध्यान देना है, अपने भाव विचार पर ध्यान देना है, तो ध्यान वापस। तो ध्यान देते समय यह कहा कि कोई प्रतिक्रिया न करें, जो भी चल रहा है जैसा भी चल रहा है उसको देख लें, उसके प्रति होश में रहें, उसके प्रति सजग रहें। स्टेप वन में इतना ही काम करना था, उसको हम लोगों ने शुरू किया था और काफी उसमें गति हुई है हम सब लोगों की। एक बार स्टेप वन चलने लगे तो फिर स्टेप टू और थ्री का काम बहुत सहजता से होने लगता है। स्टेप टू में हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो भाव सिस्टम मेरे में चल रहा है उसको देखना शुरू करें कि ये भाव हमको सहज स्वीकार है, ये मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, इस भाव की निरंतरता को मैं चाहता हूं कि नहीं। तो बहुत सिंपल प्रश्न है कि इस क्षण मेरे में जो भाव चल रहा है ये भाव हमको सहज स्वीकार है कि नहीं, इस भाव की हम निरंतरता चाहते हैं कि नहीं, इतना भर जांच लें। स्टेप तीन में इस बात को जांच लें कि इस भाव के साथ हम अपने में आराम में हैं या परेशान, संगीत में है या अंतर विरोध में है, सुखी है या दुखी। तो स्टेप वन में तो कोई हम इवैल्यूएशन नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टेप टू और थ्री में हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि यह सहज है या सहज है, सुखद है कि दुखद है, लेकिन प्रतिक्रिया किसी में नहीं कर रहे हैं। स्टेप वन टू थ्री अप टू स्टेप सेवन, इन सभी जगह हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे भाव को हटाने की कोशिश, बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, गलत भाव को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं और देखकर उसको निर्णय ले रहे हैं कि क्या सहज है क्या सहज नहीं है, क्या सुखद है क्या सुखद नहीं है। तो स्टेप एक दो और तीन को अगर जोड़ कर देखेंगे तो हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी कल्पनाशीलता में हमारे में चल रहा है, जो भी भाव विचार अर्चन है मेरे में, उसको मैं देख रहा हूँ बिना कोई प्रतिक्रिया किए, वो सहज है या असहज है इस बात का मूल्यांकन कर रहा हूँ लेकिन कोई प्रतिक्रिया किए बिना। और स्टेप तीन में ये जांच रहे हैं कि ये भाव हमारे लिए सुखद है कि दुखद है। ये तीन काम अभी तक हम लोग कर रहे थे। इस काम को करते हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। एक तो ये निकला कि मैं सीधा सीधा अपने पर ध्यान दे सकता हूँ, अपने को देख सकता हूँ बिना शरीर को बीच में लाए। दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकला कि जब मैं ध्यान देता हूँ तो अपनी कल्पनाशीलता को, अपने भाव विचार को देख पाता हूँ। ऐसा करना संभव है, शुरू में बहुत कठिन लग रहा था लेकिन धीरे धीरे ध्यान जाने लगा तो हमको दिखने लगी थी। तीसरा ये बात दिखने लगता है कि जो भाव हमारे में है उसी के आधार पर मैं सुखी दुखी होता हूँ। जिस क्षण हमारे में कोई ऐसा भाव होता है जो हमको सहज स्वीकार है हम सुखी होते हैं। एक क्षण के लिए भी अगर ऐसा भाव आता है जो हमको सहज स्वीकार नहीं है, उसी क्षण में अपने में अंतर विरोध में आ जाता हूँ, दुखी हो जाता। ये तीन महत्वपूर्ण मतलब तीन स्टेप पर ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष अभी तक हम लोग अपने में देख पाए हैं, निकाल पाए हैं और इस पर काम जारी है। तो इन तीन स्टेप के संदर्भ में कोई प्रश्न है तो हम लोग अभी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अपने पास करीब 8 मिनट का समय बचा है, तो बताइए। इतना काम अपने में हो रहा है कि नहीं,
कि हम हर क्षण अपने भाव विचार को देख पा रहे हैं, ये भाव सहज है या असहज है तो देख पा रहे हैं, और इस भाव के साथ मैं सुखी हूं या दुखी हूं इस बात को देख पा रहे हैं। तो स्टेप वन में अपने भाव को देख पा रहे हैं, स्टेप टू में ये भाव सहज है कि असहज है का मूल्यांकन कर पा रहे हैं, स्टेप थ्री में ये सुखद है कि दुखद है इसको देख पा रहे हैं। तो इतना काम हम तीन स्टेप पर कर रहे हैं। इसको करते समय जैसा हम लोगों ने कहा कि हम देख रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है, एक बात। दूसरा, हर क्षण हम इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं वैसे वैसे हमारा देखने का जो क्षमता है वो योग्यता में बढ़ता जाता है, तो हम उसको देख पाते हैं और ज्यादा समय के लिए और ज्यादा समय। तो ये काम हम लोग पहले तीन स्टेप में कर रहे हैं, ये उसका निष्कर्ष है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज वन के स्टेप्स को समअप करने का काम शुरू किया था। पहले तीन स्टेप को हम लोगों ने समअप किया था, ये कहा था कि पहले स्टेप में हम लोग जो है अपनी कल्पनाशीलता को देखने का काम कर रहे हैं, अपने प्रति होश में आने का, सजग रहने का, जागरूक रहने का काम कर रहे हैं। उसके तहत ये काम शुरू किया था कि जो भी हमारी कल्पनाशीलता में स्थान चल रहा है उसको हम देखना शुरू करें, और उसमें भी थोड़ा और फैला कर देखेंगे तो जो भी इच्छा विचार आशा चल रही है, जो भी भाव विचार चल रहा है उसको देखने का काम हम लोगों ने शुरू किया था स्टेप वन में। स्टेप टू में ये कहा कि एक बार हमको दिखने लगे कि इस क्षण मेरे में क्या भाव चल रहा है, तो ये पूछें कि ये भाव हमको सहज स्वीकार है, ये भाव हमारे लिए सहज है या असहज है। और स्टेप तीन में ये पूछें कि ये भाव जो मेरे में चल रहा है, इस भाव के साथ मैं अपने में आराम में हूँ या परेशान हूँ, संगीत में हूँ या अंतर विरोध में हूँ, सुखी हूँ या दुखी हूँ। तो बहुत ब्रीफली कहेंगे तो पहले में हम अपने भाव को देख रहे हैं स्टेप वन में, प्रति होश में, स्टेप टू में ये जांच रहे हैं कि ये सहज है कि असहज है, स्टेप तीन में ये जांच रहे हैं कि ये सुखद है कि दुखद है। सार रूप में देखेंगे तो ये काम हम लोग कर रहे हैं तीनों स्टेप। और ये तीनों स्टेप का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि सहज भाव के साथ हम सुखी होते हैं, असहज भाव के साथ हम दुखी। तो मेरा सुख दुख मेरे भाव पर निर्भर करता है, ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। एक बात हम लोगों ने यह भी कही थी अभी अंग्रेजी के सत्र में जब बात हो रही थी कि अभी तक हम लोग जड़ के नियम को समझने का काम करते हैं विज्ञान में, और सारी पढ़ाई लिखाई आज के दिन हमारी उतने तक ही सीमित है। अब हम लोग धीरे धीरे चैतन्य के नियम को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं एक चैतन्य इकाई हूँ तो मैं अपने को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, और चैतन्य के जो नियम है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारे स्टेप्स को देखेंगे, एक एक स्टेप एक एक नियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो नियम हमको समझ में आने लगेंगे। तो पहले स्टेप में ये नियम हमको समझ में आता है कि मैं जो है चीजों पर ध्यान दे सकता हूँ, कोई भी चैतन्य इकाई चीजों पर ध्यान देने का निर्णय करे तो ध्यान दे सकती है, ध्यान देती है तो देख सकती है, देखती है तो समझ सकती है। ये एक सामान्य नियम है चैतन्य का कि चैतन्य ध्यान देगा, देने का निर्णय लेगा तो ध्यान दे सकता है, ध्यान देकर देख सकता है, देख कर समझ सकता है। इस बात को हम लोग अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से इस नियम को समझ रहे हैं। स्टेप दो में यह नियम समझ में आया कि कुछ भाव ऐसे हैं जो हमको सहज स्वीकार हैं, कुछ भाव ऐसे हैं जो हमको सहज स्वीकार हैं। स्टेप तीन में यह समझ में आया कि सहज भाव के साथ चैतन्य इकाई सुखी होती है, असहज भाव के साथ दुखी होती है। अब ये बड़े सामान्य नियम है जो धीरे धीरे हम अपने में समझ सकते हैं, और ये समझ में आ जाए तो इसके आधार पर हम अपना जीना को ठीक करते हैं। तो जैसे जड़ को समझने, जड़ के नियम को समझने के आधार पर जड़ के साथ हम बहुत सारा काम विधिवत कर पाते हैं,
वैसे चैतन्य के नियम को समझने के आधार पर हम चैतन्य के साथ भी विधिवत जी पाएंगे। तो इस तरह से पहले तीन स्टेप में ये तीन नियम हम लोग को समझना आ रहे या आ रहे हैं, मैं कहूंगा आ गए नहीं कहूंगा, अभी उस पर काम चल रहा है। अब ये तीन स्टेप से जो समझ में आया वो ये आया कि सहज भाव के साथ हम सुखी होते हैं और सहज भाव के साथ दुखी होते हैं। तो चौथे स्टेप पर हम लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो भाव मेरे में चल रहा है इच्छा, जिसके आधार पर मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, इस भाव का निर्णय कौन लेता है, तो कौन जिम्मेदार है इसका, ये पहचानना जरूरी है, क्योंकि जो जिम्मेदार है उसी के कारण सुख दुख हो रहा है। तो अब ये पूछ रहे हैं हम चौथे स्टेप में कि ये जो क्षण इस क्षण मेरे में जो भाव चल रहा है, उस भाव का निर्णय किसने लिया है, मैंने स्वयं लिया है, बाहर की परिस्थिति ने लिया है, या दूसरे व्यक्ति के व्यवहार ने लिया है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है, इसमें से कौन सा सही है इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देखने का प्रयास करते हैं। तो जो उदाहरण मैं ले रहा था कि अगर कोई हमारे ऊपर है ना अपशब्द का प्रयोग कर रहा है और उस अपशब्द को सुनने के बाद हमारे में क्या भाव होगा, वो अपशब्द से तय हो जाता है या उस अपशब्द के बावजूद है ना अपने भाव का निर्णय मैं लेता हूँ। इस उदाहरण पर हम लोग बहुत सारी बात किए थे, इसलिए मैं उस उदाहरण को ले रहा हूँ। तो अगर दूसरे ने अपशब्द कहा और हमको दिखता है कि यह व्यक्ति परेशान है इसलिए अपशब्द कह रहा है, तो मेरे को उसके प्रति दया का भाव आएगा। अगर मैं इस बात को नहीं देख पाता हूं और हमको लगता है कि वो तो बड़े मजे में और हमको परेशान करना चाहता है, तो हमारे में विरोध का भाव आएगा। तो ये जो मेरे में दया का भाव आया या विरोध का भाव आया, उसका निर्णय तो मैंने स्वयं लिया, बाहर की परिस्थिति से ये प्रक्रिया शुरू हुई, इतना ही है, लेकिन निर्णय तो मेरा है। तो इस बात को हम लोग देखने का काम कर रहे हैं स्टेप फोर में। ये जो मेरे में भाव विचार बन रहा है उसका निर्णय कौन ले रहा है, बाहर की परिस्थिति, दूसरा व्यक्ति या स्वयं मैं। तो निष्कर्ष इसका अंतर्गत यह निकलता है कि बाहर की परिस्थिति या दूसरा व्यक्ति हमारे में ये प्रक्रिया शुरू कर सकता है, लेकिन मेरे में भाव विचार क्या बनेगा उसका निर्णय तो अंतर्गत मैं स्वयं देता हूं। ये अगर हमको दिख जाए तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो भाव विचार मेरे में चल रहा है इस क्षण, उसका जिम्मेदारी मेरी है, और चूंकि मेरे भाव विचार के आधार पर ही मैं सुखी दुखी होता हूं, इसलिए अपने सुख दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूं। और इसको थोड़े समय तक अगर हम देख पाए तो ये पता लगता है कि अपने सुख दुख के लिए मैं 100% जिम्मेदार हूं, क्योंकि हर क्षण अपना भाव विचार मैं तय कर रहा हूं, उसके आधार पर सुखी दुखी हो रहा हूं, इसलिए अपने सुख दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। ये दिख जाए तो इससे दो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मैं अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूँ, फिर भी मैं ऐसे निर्णय ले रहा हूँ जिससे मैं दुखी हो रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे अपने में परिमार्जन की आवश्यकता है, अपने में सुधार की आवश्यकता है। तो एक तो ये कि मैं अपने में सुधार के लिए तैयार होता हूँ, अपने पर काम करने के लिए तैयार होता हूँ, और दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि अब मैं देख पाता हूँ कि दूसरे व्यक्ति या दूसरी बाहर की परिस्थिति के कारण कोई प्रक्रिया शुरू हुई होगी, लेकिन अंततः अपने सुख दुख के लिए तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो अब मैं दूसरों के प्रति जो शिकायत रखता था उस शिकायत से मुक्त हो पाता हूँ। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, एक तो ये कि मुझे स्वयं में सुधार करना है, स्वयं पर काम करना है, परिमार्जन करना है, इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचता हूँ। दूसरा, दूसरे के प्रति शिकायत से मुक्त हो जाता हूँ,
तो ये जो विरोध का भाव पैदा हो रहा था दूसरे के प्रति, वो तो शिकायत के कारण ही पैदा हो रहा था, तो उससे मैं मुक्त हो पाता हूँ। तब मैं अपने में काम करता हूँ, अपने सुधार के लिए काम करता हूँ, अपने में विकास के लिए काम करता हूँ, और दूसरे की भी समस्या को मैं समझ पाता हूँ कि वो भी परेशान है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो उसके विकास में भी सहयोगी होने का मानस बना पाता। तो ये एक महत्वपूर्ण नियम है चैतन्य का कि अपने भाव विचार का निर्णय चैतन्य का स्वयं देती है और उसी के आधार पर सुखी दुखी होती है। इसलिए अपने सुख दुख के लिए हर चैतन्य का ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, 100% जिम्मेदार। तो इस काम को हम लोग स्टेप 4 में कर रहे थे। एक बार ये दिख जाए कि अपने भाव विचार का निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ और उसके आधार पर सुखी दुखी होता हूँ, तो प्रश्न ये बनता है कि ये जो निर्णय मैं ले रहा हूँ अपने भाव विचार का, उसका आधार क्या है, किस आधार पर मैं निर्णय ले रहा हूँ, तो उसको हम लोग स्टेप 5 में पूछ रहे हैं कि इस क्षण मुझ में जो भाव है, जो विचार चल रहा है, उसका निर्णय मैं किस आधार पर लेता हूँ। क्या मैं इसे अपनी समझ के आधार पर तय करता हूँ या समझ के अभाव में किसी मान्यता के आधार पर तय करता हूँ। तो जिस वास्तु के संदर्भ में मैं अपने भाव का निर्णय कर रहा हूँ, क्या मैंने उसको समझा है, उस आधार पर मैं अपने भाव का निर्णय कर रहा हूँ, या समझा नहीं है उसके बारे में कुछ मान रखा है उस आधार पर निर्णय कर रहा हूँ। तो उदाहरण के रूप में हम लोगों ने बताया था कि अगर मैं किसी व्यक्ति के संदर्भ में अपने भाव का निर्णय कर रहा हूँ, तो प्रश्न यह है कि क्या मैंने अपने को समझा है, दूसरे मानव को समझा है, और उस आधार पर मैं अपने भाव का निर्णय कर रहा हूँ, या हमने अपने बारे कुछ मान लिया है, दूसरे व्यक्ति के बारे कुछ मान लिया है, उसके आधार पर मैं संबंध का निर्णय कर रहा हूँ, जो भाव का निर्णय कर रहा हूँ। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो अगर मैंने अपने को एक मानव के रूप में समझा है, दूसरे को भी एक मानव के रूप में समझा है, तो मैं दूसरे के प्रति अपने में संबंध का भाव बनाए रखता हूँ, उसके प्रति विश्वास का, मान का भाव बनाए रखता हूँ। इस आधार पर मैं भी सुखी रहता हूँ, इस भाव को जब व्यक्त करता हूँ तो दूसरे को भी सुखी करता हूँ। कम से कम मेरा भाव स्नेह का बना रहता है तो मैं अपने में आराम में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, ये निश्चित है। तो समझ के आधार पर जो भाव निश्चित होगा वो सहज होगा, सुखद होगा। अगर मैंने अपने को नहीं समझा है, दूसरे मानव को नहीं समझा है, अपने बारे कुछ मान लिया है, दूसरे के बारे कुछ मान लिया है, तो अब हमारा जो भाव विचार बनेगा वो अपनी मान्यता के आधार पर बनेगा। ये मान्यता सही होगा तो सही भाव बनेगा, मान्यता गलत होगी तो गलत भाव बनेगा। तो उदाहरण के रूप में देखें कि हम अपने परिवार के लोगों के बारे से ये मान लेते हैं कि भाई हमारे संबंधी हैं, तो उनके प्रति हमारा संबंध का भाव बनता है। लेकिन परिवार से बाहर के लोगों के बारे में मान लेते हैं कि वो हमारे विरोधी हैं, तो उनके प्रति विरोध का भाव बनता है। ये जो हमने एक के बारे संबंध का भाव संबंधी मान लिया और दूसरे को विरोधी मान लिया, इसलिए एक के प्रति संबंध का भाव है, एक के प्रति विरोध का भाव। एक का सोचकर हम सुखी होते हैं, दूसरे का सोचकर दुखी होते हैं। और अभी ज्यादातर हम इस मान्यताओं के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो मैं ये बात इंगित कर रहा था कि अभी जितना भी भ्रष्टाचार है, अगर आप उसको देखेंगे तो क्या है, जिनको मैं अपना संबंधी नहीं मानता हूँ और कहीं ना कहीं विरोधी मानता हूँ, उनका मैं शोषण करता हूँ। किनके लिए करता हूँ, जिनको मैं अपना संबंधी मानता हूँ। तो अपने परिवार के लोगों को मैं अपना संबंधी मानता हूँ, बच्चे को अपना संबंधी मानता हूँ, तो बाहर के लोगों का शोषण करके है ना,
भ्रष्टाचार करके उनसे पैसे लेता हूँ और उसको अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाता हूँ, अपने घर के लोगों के लिए फैसिलिटी डेवलप करने में लगाता हूँ। ये मान्यता के आधार पर चल रहा है। अगर समझ में आ जाएगा जो अभी बात हो रही थी, है ना, तो फिर हमारा हरेक के प्रति संबंध का भाव होगा, मानव मात्र के प्रति संबंध का भाव होगा। तो ये स्टेप 5 में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा भाव का निर्णय मैं कर रहा हूँ वो समझ के आधार पर कर रहा हूँ, समझ के अभाव में मान्यता के आधार पर कर रहा हूँ। अगर समझ के आधार पर करूंगा तो मेरा भाव निश्चित होगा, सुख सहज होगा, सुखद होगा। समझ के अभाव में मान्यता के आधार पर करूंगा तो जैसी मान्यता होगी वैसा भाव बनेगा। मान्यता सही होगा तो सही भाव बनेगा, मान्यता गलत होगी तो गलत भाव बनेगा, और किसी समय मान्यता बदल जाएगी तो भाव भी हमारा बदल जाएगा। तो इससे निष्कर्ष जो निकलता है स्टेप 5 से वो ये निकलता है कि इसलिए हमको अपने में ये समझना जरूरी है कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज है, कौन सा भाव सहज नहीं है। तो दो बातें मैं कहूंगा उसमें। स्टेप 5 में ये निष्कर्ष निकलता है कि जितना भी हमारा जीने का फैलाव है उसको ठीक ठीक समझना जरूरी है। तो खुद को समझना जरूरी है, दूसरे मनुष्य को समझना जरूरी है, आसपास की पूरी प्रकृति को समझना जरूरी है, क्योंकि समझ होगा तो हमारा भाव सही होगा, सहज होगा, सुखद। तो एक निष्कर्ष स्टेप 5 में ये निकलता है। इसी से जुड़ा हुआ निष्कर्ष ये निकलता है कि कम से कम ये तो हमको समझ में आ जाए कि कौन सा भाव हमको सह स्वीकार, कौन सा भाव हमको सह स्वीकार नहीं। तो दो भाग हो गया, एक तो ये कि हमको ये समझ में आ जाए कि कौन सा भाव हमको सह स्वीकार है, कौन सा भाव सह स्वीकार नहीं, और अंततः गत्वा हमको समझ में आ जाए पूरे अस्तित्व के बारे, अपने बारे, दूसरे के बारे, सारी वास्तविकताओं के बारे। तो ये जो बात हमको स्टेप 5 में ध्यान में आई उसी को हम लोग स्टेप 6 और 7 में कर रहे हैं। स्टेप 6A में हम लोग ये पूछ रहे हैं कि कौन सा भाव हमको सह स्वीकार, तो ये 3 भावों के बारे पूछ रहे हैं कि कौन सा भाव हमको सह स्वीकार है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, स्वस्तित्व का या संघर्ष। इस बात को अपने में सीधा सीधा देखना है कि कौन सा भाव हमको सह स्वीकार। एक बार ये दिखने लगे कि कौन सा भाव हमको सह स्वीकार है तो स्टेप 7A में जो काम करना है वो इतना ही करना है कि जो भाव हमारे को सह स्वीकार है इस क्षण हमारे में वही भाव बना रहे, अन्यथा बना ना रहे। तो स्टेप 6A पे जब हम लोग काम करते हैं तो ये पता लगता है कि संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, अस्तित्व का भाव ही हमको सह स्वीकार है, अन्यथा भाव सह स्वीकार नहीं। इसलिए स्टेप 7A में हम लोग ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षण हमारे में जो भाव है वो संबंध का, व्यवस्था का, अस्तित्व का है, अन्यथा नहीं। अगर इतना हम सुनिश्चित कर लेंगे तो इस क्षण हम अपने में सहज भाव के साथ सुखी रहेंगे। इस काम को अगर अगले क्षण सुनिश्चित कर लेंगे तो अगले क्षण भी हम सहज भाव के साथ सुखी रहेंगे। ऐसा हर क्षण कर लें तो हर क्षण हम अपने में सहज भाव के साथ सुखी रहें, हर क्षण अपने में संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व का भाव को सुनिश्चित करके हम सुखी रहें। तो इस तरह से अपने निरंतर सुखी होने का काम को सुनिश्चित किया जाए। तो इन चैतन्य के नियमों को समझने का काम 7 स्टेप में हम लोग विधिवत कर रहे हैं और सीधा सीधा देखने के आधार पर, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के आधार पर कर रहे हैं। तो इतने को एक बार पूरे को देख लीजिए। 6B और 7B के बारे हम लोग कल बात कर लेंगे।
स्टेप वन से स्टेप सेवन तक देखेंगे तो इस रूप में दिखाई पड़ता है। तो स्टेप वन में अपने भाव विचार को, अपनी कल्पना चिंता को देखने से शुरू किया था। स्टेप दो में इस बात को जांचा था कि यह भाव सहज है कि असहज है। स्टेप तीन में यह जांचा कि यह सुखद है कि दुखद है। तो पहले तीन स्टेप से यह निष्कर्ष निकला कि सहज भाव के साथ हम सुखी होते हैं, असहज भाव के साथ दुखी होते हैं। स्टेप चार में यह जांचा कि ये जो भाव मेरे में इच्छा बन रहा है उसका निर्णय कौन ले रहा है, बाहर की परिस्थिति, दूसरा व्यक्ति या मैं स्वयं। उसका निष्कर्ष ये निकला कि जो भाव मेरे में चल रहा है उसका निर्णय तो मैंने स्वयं लिया है, बाहर की परिस्थितियां या बाहर के कोई व्यक्ति सिर्फ हमारा ध्यान आकर्षण करा, निर्णय तो मैं ही करता हूं। इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकला कि अपने भाव विचार का निर्णय मैं स्वयं करता हूं, इसलिए अपने सुख दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार। एक बार यह ध्यान में आ गया तो स्टेप पांच में ये देख रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी है मेरी अपने भाव विचार का निर्णय करने का, उसको मैं किस आधार पर करता हूँ, जो भाव विचार का निर्णय है उसका आधार क्या है। तो ये पता लगा कि या तो समझ के आधार पर या समझ के अभाव में मान्यता के आधार पर मैं अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ। यह भी पता लगा कि सही समझ हो, समझ के आधार पर निर्णय लेते हैं तो सही भाव के पक्ष में निर्णय लेते हैं और सुखी रहते हैं। समझ के अभाव में मान्यता के आधार पर निर्णय लेते हैं तो हमारा भाव मान्यता पर निर्भर करता है, इसकी गारंटी नहीं है कि हमारा भाव सहज ही होगा, सुखद ही होगा। इसलिए इन दोनों को साथ साथ देखते हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है कि हमको समझने की जरूरत है। जिन चीजों के साथ भी मैं जी रहा हूँ उनको समझने की जरूरत है, तभी मैं उनके प्रति सहज भाव को निर्णय कर पाऊंगा। इसलिए समझने की आवश्यकता हमको स्पष्ट होती। तो अपने को समझना, दूसरे व्यक्ति को समझना, सारी प्रकृति को समझना, ये हमारे लिए आवश्यक है, तभी हम उनके बारे में सहज भाव सुखद भाव का निर्णय ले पाएंगे। कम से कम हमको ये तो समझ में आ जाए कि कौन सा भाव हमको सहज स्वीकार है, कौन सा भाव सहज स्वीकार नहीं, इतना तो समझना जरूरी है ही। समझना तो संपूर्णता को है जरूरी, लेकिन इतना समझना तो जरूरी है ही। उसी काम को हम लोग स्टेप सिक्स ए में कर रहे हैं। सिक्स ए में पूछ रहे हैं कि कौन सा भाव हमको सहज स्वीकार है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, अस्तित्व का या संघर्ष का। और उसका निष्कर्ष ये निकला कि संबंध, व्यवस्था और अस्तित्व का भाव ये हमको सहज स्वीकार है। एक बार ये दिख गया तो सेवन ए में ये काम कर रहे हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव चल रहा है उसके बारे हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव है वो संबंध का, विरोध, व्यवस्था का और अस्तित्व का है, अन्यथा नहीं। इतना काम अगर हम कर लें तो कम से कम इस क्षण हम ये गारंटी कर सकते हैं कि इस क्षण मेरे में संबंध का, व्यवस्था का, अस्तित्व का भाव है जो हमको सहज स्वीकार है, और उस भाव के साथ मैं अपने में सुखी हूँ। इस क्षण मेरे सुखी होने की गारंटी है। इसको अगर मैं इस क्षण कर लूँ तो इस क्षण सुखी होता हूँ, अगले क्षण कर लूँ तो अगले क्षण सुखी होता हूँ, हर क्षण कर लूँ तो हर क्षण सुखी होता हूँ। तो इस आधार पर हर क्षण हम अपने में संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व का भाव को सुनिश्चित करते हुए हर क्षण सुखी रह सकते हैं, निरंतर सुखी रह सकते हैं। तो इतना काम हम लोग इन सात स्टेप में कर रहे हैं। अभी सेवन सिक्स बी और सेवन बी की बात नहीं की, उसको कल करेंगे। बट उसके अलावा देखेंगे तो इतनी बात हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज वन के बारे में की है। थोड़ी चर्चा को पूरा कर लेते हैं। कल हम लोगों ने स्टेप सिक्स ए और सेवन ए तक की बात की थी, है ना। अभी हम लोग ये सिक्स बी और सेवन बी को भी बात को पूरी कर लेते हैं। तो कल जो हम लोगों ने बात किया उसको मैं फिर से एक बार बहुत ब्रीफली रख देता हूँ। तो ये कहा था हम लोगों ने कि मुख्य काम तो स्टेप वन पे होना है, और स्टेप वन पे क्या काम होना है, तो हमको अपने प्रति सजग होना है, है ना, अपनी कल्पना चिंता के प्रति सजग होना है। जो भी हमारे में इच्छा विचार आशा चल रही है, जो भी भाव विचार चल रहा है, उसके प्रति होश में रहना है।
तो उसके संदर्भ में दो बात कही थी। एक तो ये कहा था कि जब हम देख रहे हैं है ना अपनी कल्पना चिंता को, अपने भाव विचार को, तो सिर्फ उसको देखना है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, बिना कोई प्रतिक्रिया के उसको देखना, ठीक। यह भी कहा था कि इस काम को हमको हरचन करना है, क्योंकि हरचन हमारे में भाव विचार चली रहा है, कल्पनाशीलता चली रही है ना, तो हरचन उसको हमको देखना। स्टेप वन पर ठीक से हम लोग काम करते हैं तो स्टेप टू और स्टेप थ्री का काम होने लगता है। स्टेप टू में क्या कर रहे हैं, ये जो भाव हमारे में चल रहा है क्षण, उसको मैंने देखा बिना कोई प्रतिक्रिया के, अब ये जांच परख कर रहे हैं कि ये जो भाव हमारे में चल रहा है, ये भाव सहज है या असहज, ये हमको सहज स्वीकार होता है कि सहज स्वीकार नहीं होता, इस बात को जांचना है कि इस भाव की मैं निरंतरता चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। और स्टेप तीन में ये कर रहे हैं कि ये जो भाव मेरे में चल रहा है, इस भाव के साथ हम अपने में आराम में है या परेशान है, संगीत में है या अंतर विरोध में है, सुखी है या दुखी। तो ये तीन काम हम लोग कर रहे हैं स्टेप वन टू और थ्री में। ध्यान से देखेंगे तो जब हम स्टेप वन पर काम शुरू कर देते हैं बिना कोई प्रतिक्रिया किए, अपने कल्पनाशीलता को देखने का, अपने भाव विचार को देखने का, तो ये जो हमारे में देखने की क्षमता है, देखकर ध्यान पर करने की क्षमता है, उसके तहत टू और थ्री का काम तो शुरू हो ही जाता है। तो जब मैं भाव को देख रहा हूँ शुद्ध दृष्टा की जगह से बिना कोई प्रतिक्रिया किए, तो मैं ये भी देख पाता हूँ कि ये भाव मेरे लिए सहज है कि मैं ये भी देख पाता हूँ कि ये भाव मेरे लिए सुखद है कि दुखद है। तो स्टेप वन पर मुख्य रूप से काम करना है, ठीक से काम करना है, तो उसके साथ स्टेप टू और थ्री पे जो काम होगा वो धीरे धीरे आसान हो जाएगा। शुरू में तो आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वो काम आसानी से होने लगेगा। तो हम भाव को देख पाएंगे, वो भाव सहज है कि असहज है इसको देख पाएंगे, वो भाव सुखद है कि दुखद है इसको देख पाएंगे, ठीक। धीरे धीरे ये भी आपको दिखने लगेगा कि जो भाव सहज है उसकी निरंतरता होने लगती है, जो भाव असहज है वो या तो गिर ही जाता है या कमजोर होने लगता है। तो वो जो स्टेप सेवन ए है कि हर क्षण हम अपने में संबंध व्यवस्था सहस्तित्व का भाव को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं, वो काम होने लगेगा। तो स्टेप वन अगर ठीक से हम काम करते रहे, उसके साथ प्रयास पूर्वक स्टेप दो तीन ये सब पे काम चलता रहा, चार पांच छह सात पर, तो धीरे धीरे ये दिखने लगेगा कि स्टेप वन के साथ साथ स्टेप टू और थ्री तो होने ही लगता है, और उसके साथ साथ सेवन ए भी होने लगता है कि जो भी सहज भाव है उसकी निरंतरता होने लगती है, जो असहज भाव है वो गिरने लगता है, कम से कम कमजोर तो हो ही जाता है। तो इसको आप धीरे धीरे अपने को देखना है अपने में, है ना। इस संदर्भ में हम लोगों ने यह कहा था कि ये सब जो है चैतन्य के नियम है जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आज के विज्ञान को थोड़ा अपने को खोलना चाहिए। अभी तक विज्ञान जो है वो जड़ के नियम पर ही बात कर रहा है, चैतन्य के नियम पर भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि समस्या तो मुख्य रूप से चैतन्य के स्तर पर है, सेल्फ के स्तर पर है, मैं के स्तर पर है, स्वयं के स्तर पर है, है ना। जड़ के स्तर पर उतनी समस्या नहीं है, चैतन्य के स्तर पर जो समस्या है उसी के कारण जड़ के स्तर पर भी हम बहुत सारी समस्याएं पैदा करते रहते हैं। तो ये सब बहुत सरल नियम है चैतन्य के बारे कि जब मैं ध्यान देने का निर्णय करता हूँ तो मैं ध्यान दे पाता हूँ, जब ध्यान देता हूँ तो मैं देख पाता हूँ, जब देखता हूँ तो समझ पाता हूँ,
ये बहुत सिंपल नियम है चैतन्य का, है ना, वो समझ में आ जाए तो वो काम शुरू हो जाए। इसी तरह से हमारे में जो भाव चल रहा है उसको मैं देख सकता हूँ, वो भाव सहज है कि असहज है उसका मैं निर्णय कर सकता हूँ, वो सुखद है कि दुखद है उसका भी निर्णय मैं कर सकता हूँ। तो ये सब नियम है चैतन्य के जो हमको समझ में आ जाएंगे तो चैतन्य के स्तर पर जो समस्याएं हम पैदा किए हुए हैं उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, या समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी क्योंकि हम उस रिजोल्यूशन के साथ जी रहे होंगे। तो ये स्टेप 1, 2 और 3 के बारे हम लोगों ने बात की थी। स्टेप 4 में यह कहा था कि ये जो भाव विचार मेरे में चल रहा है उसका निर्णय कौन ले रहा है। तो अगर स्टेप 1 पर ठीक से काम हो और उसके साथ 2-3 पे काम होने लगता है तो आपको दिखने ही लगता है कि जो भाव हमको सहज स्वीकार है उसकी निरंतरता हमारे में होने लगती है, जो सहज स्वीकार नहीं है वो गिरने लगता है। इसका मतलब निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ अपने भाव विचार का। अभी क्या है, हम खुद सही को देखकर सहज को देखकर निर्णय नहीं ले रहे हैं क्योंकि दृष्टा की जगह पे हम काम ही नहीं कर रहे, हम तो बाहर के प्रभाव में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो मुख्य जिम्मेदारी था वो हम नहीं कर रहे हैं पूरा, इसीलिए बाहर का प्रभाव इतना हो गया, इसलिए हमको लगता है कि दूसरा कोई निर्णय ले रहा है या बाहर का कोई परिस्थिति निर्णय ले रही है। वो इसलिए हो रहा है कि हमको जो काम करना था अपने भाव को देखने का और ये तय करने का कि ये सहज है कि असहज है, सुखद है कि दुखद है, इसकी निरंतरता को हम बनाए रखें कि ना रखें, वो निर्णय हम नहीं कर रहे हैं इसलिए बाहर का प्रभाव इतना दिखता है। एक बार ये निर्णय हम करने लगेंगे तो स्टेप 4 तो बहुत साफ साफ दिखने लगता है कि मेरे भाव विचार का निर्णय तो मैं ही। फिर ये भी दिखने लगता है कि अगर मैं सही समझा हूँ, सही चीजों को देख पा रहा हूँ तो मैं संबंध को भी देख पाता हूँ और मेरा भाव सही रहता है, सहज रहता है, सुखद रहता है। जब हमने देखा नहीं है वास्तविकता को, समझा नहीं है, उसके बारे कुछ मान लिया है तो गलत मान्यता के तहत हमारा भाव गलत होता है। ये स्टेप 5 भी हमको दिखने लगता है। अगर हम सही को देख पाते हैं, है ना, ये देख पाते हैं कि दूसरे के प्रति हमको संबंध का भाव ही सह स्वीकार होता है, विरोध का भाव सह स्वीकार नहीं होता है, तो हम संबंध के भाव के अर्थ में ही निर्णय लेते हैं जो सहज है, सुखद है, अन्यथा निर्णय हम लेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हमको समझ नहीं है, हमने संबंध को देखा नहीं है, संबंध का भाव सहज है इस बात को देखा नहीं है, तो अब हम विरोध को भी स्वीकार लेते हैं, अपने में विरोध का भाव भी ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध को सही मान रखा है, तो हमारी मान्यता गलत हो गई है, जानने का काम हुआ नहीं है, समझने का काम हुआ नहीं है, देखने का काम हुआ नहीं है, तो उस मान्यता और गलत मान्यता के तहत हम अपने गलत भाव को पैदा करते हैं। तो ये स्टेप 5 भी हमको धीरे धीरे दिखने लगता है कि ये समझ के साथ, है ना, शुद्ध दृष्टा की जगह से जब हम चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो हम सही भाव के पक्ष में ही निर्णय लेंगे। अगर समझने का काम नहीं हुआ है, देखने का काम नहीं हुआ है, तो मान्यता के तहत गलती होने की संभावना बनी रहती है। इतना दिख जाए तो स्टेप 6 की जो हम लोग बात किए वो तो आसान है ही, आप अपने में देख ही सकते हैं दृष्टा की जगह से कि संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव ही आपके लिए सहज है, न कि विरोध का, अव्यवस्था का और संघर्ष का। और अगर ये हमको दिख जाएगा तो स्टेप 7 का जो काम हो तो होने लगेगा, क्योंकि जो सहज है उसी के पक्ष में हमारा निर्णय बनता है, जो असहज है वो तो गिरने ही लगता है या कमजोर हो जाता है। तो इतनी बात हम लोगों ने की स्टेप 1 से लेकर 5 तक और फिर 6A और 6B का। अभी 6A और 6 7A का अब हम लोग थोड़ी सी बात 6B और 7B के बारे कर लेते हैं। 6B में हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव ही हमको सहज स्वीकार होता है, ये हमको दिख गया, और उसके आधार पर 7A में हम संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व के भाव को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व है इसको हमको विस्तार से समझने की जरूरत है। तो एक एक इकाई के बीच का संबंध, मेरे और शरीर के बीच का संबंध, मेरे और दूसरे इकाई के बीच का संबंध, ऐसा सारे संबंध को हमको ठीक ठीक समझने की जरूरत है।
इसी तरह से एक एक व्यवस्था को, एक एक इकाई की व्यवस्था को, सारे इकाई की व्यवस्था को, पूरे प्रकृति की व्यवस्था को समझना आवश्यक है। इसी तरह से अस्तित्व में जो अस्तित्व है ही, बनाई हुआ है, उसको समझने की जरूरत है। तो 6B में हम लोग उसको समझने का काम करते हैं। और ये जो समझने का काम है, उसके बारे हम लोगों ने भी अंग्रेजी के सेशन में कहा था, उसको मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ कि समझने का काम जो है वो शुद्ध दृष्टा की जगह से होगा, और शुद्ध दृष्टा के मार्गदर्शन में जो नीचे की क्रियाओं को हम करें चलाएंगे उससे होगा। तो सही समझने का दो है ना जगह है, एक तो शुद्ध दृष्टा की जगह से हम चीजों को सीधा सीधा देख रहे हैं और समझ रहे हैं, दूसरा शुद्ध दृष्टा के साथ जो नीचे की क्रियाएं हैं सेल्फ की है ना, उसको व्यवस्थित कर रहे हैं और उसके माध्यम से देख रहे हैं। तो अस्तित्व को देखने का काम तो शुद्ध दृष्टा की जगह पर हो जाता है, जिसको हम अभी रियलाइजेशन कह रहे हैं, रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस। फिर शुद्ध दृष्टा की जगह से जो हमने अस्तित्व को देखा, कोएग्जिस्टेंस को देखा, उसके आधार पर जब हम अपने अंडरस्टैंडिंग को है ना डिटेल आउट करते हैं, तो हम एक एक इकाई की हारमोनी को देख पाते हैं, एक एक इकाई की व्यवस्था को देख पाते हैं। उसके आधार पर जब हम अपने, जिसको हम लोगों ने कंटेम्पलेशन कहा, चिंतन कहा, उस जगह पर आकर देखते हैं, तो हर इकाई के साथ हम अपने संबंध को देख पाते हैं, हर इकाई के प्रति हमारा संबंध का भाव बनता है। तो ये तीनों चीजों को हम शुद्ध दृष्टा के मार्गदर्शन में देख पाते हैं, अस्तित्व को शुद्ध दृष्टा की जगह पे देख पाते हैं, फिर व्यवस्था और संबंध को जो है हम नीचे की क्रियाओं के स्तर पर देख पाते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ शुद्ध दृष्टा, अंडर द गाइडेंस ऑफ रियलाइजेशन। ये दिखने लगे तब हम फिर उसी के अर्थ में विचार करते हैं, संबंध व्यवस्था और अस्तित्व के अर्थ में, उसी के अर्थ में हम अपनी आशा करते हैं। तो हम सब दूसरे जो डिटेल रहेंगे जितना किसी भी इकाई के संदर्भ में, उसको हम देख पाते हैं। तो अगर ध्यान हो आप लोग को, कभी हम लोगों ने बात किया था है ना कि अस्तित्व को देखने की एक बात है जिसको परम धर्म कह रहे हैं, फिर व्यवस्था को देखने की बात है, फिर संबंध को देखने की बात है ना, फिर संबंध का निर्वाह कैसे करेंगे इसको देखने की बात है विचार के स्तर पर, फिर संबंध के निर्वाह के लिए बाहर हम क्या करेंगे उसको देखने की बात है आशा की जगह। उसी को दूसरी भाषा में हम लोगों ने कहा कि उसका जो अस्तित्व है वो दिख जाए, उसकी जो व्यवस्था है वो दिख जाए, उसका जो परस्परता में संबंध है वो दिख जाए, स्वभाव दिख जाए है ना, उसका परस्परता में जो प्रभाव है जिसको गुण का वो दिख जाए, और उसका रूप दिख जाए, ये सब क्रम से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको शुद्ध दृष्टा के मार्गदर्शन में देख रहे हैं तो ठीक ठीक देख पाएंगे, एक कंप्लीटनेस के साथ देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो 6B में ये काम करना है, समझने का काम करना है, और 6B में जितना जितना हमको समझ में आएगा, 7B में वो काम उतना होने लगेगा, क्योंकि जो समझ में आ गया, दिख गया कि ऐसा ही है, तो उसी के अर्थ में अपना भाव विचार चलेगा, उसी के अर्थ में हमारा व्यवहार कार्य चलेगा। तो जो 7B का काम है वो 6B का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होगा। तो 6B में हम समझने का काम कर रहे हैं, संपूर्णता में चीजों को समझने का काम कर रहे हैं, और 7B में उस संपूर्णता में जब हम समझते हैं तो उसके प्रति जो सहज भाव बनता है हमारे में, सुखद भाव बनता है, उस भाव को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा हम एक एक इकाई के लिए कर लें और हर क्षण कर लें, तो हर क्षण हम अपने में सुखी रह सकते हैं, निरंतर सुखी रह सकते हैं, और यही काम हम लोग को करना है। तो इतनी बात हम लोग अभी तक एक्सरसाइज 1 में करते रहे हैं, जिसको मैंने बहुत संक्षिप्त में रख दिया है। इसके संदर्भ में 2-3 बातें और मैं कह देता हूँ, कल थोड़ा एक बार और इसको पूरा कर दूंगा, मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो फिर आगे एक्सरसाइज 2 पर काम हम लोग शुरू कर पाएंगे। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमको यह समझ में आता है कि हमारे जीने के केंद्र में है चैतन्य का, ये मैं हूँ, स्वयं है ना,
ना कि शरीर है जो कि एक जड़ी का ही है। तो अगर एक्सरसाइज वन पर ठीक से काम करेंगे तो ये धीरे धीरे हमको दिखने लगेगा कि मानव के जीने के केंद्र में, मानव के रूप में जब मैं जी रहा हूं तो मेरे जीने के केंद्र में मैं ही हूं, चैतन्य ही है, ठीक, शरीर नहीं है। तो अगर ठीक से काम करेंगे एक्सरसाइज वन पर तो हर क्षण हमारा होश अपने पे बना रहेगा, हर क्षण हम अपने भाव विचार को देख पाएंगे, हर क्षण अपने भाव विचार को सही के अर्थ में सुनिश्चित कर पाएंगे, सहज भाव के अर्थ में, सुखद भाव के अर्थ में सुनिश्चित कर पाएंगे, हर क्षण हम अपने में सुखी रह पाएंगे। तो मेरी जो आवश्यकता है मैं की, वो मैं में पूरी होती है, ये बात हमको दिख पाएगी, वो पूरी होती रहेगी। उसके लिए हमारे शरीर पे निर्भरता नहीं है। ये दिखने लगे तो इसके साथ फिर हमको दिखता है कि मैं केंद्र में रहते हुए आवश्यकता अनुसार शरीर के साथ आदान प्रदान करता हूं, आवश्यकता अनुसार शरीर को एक यंत्र के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग करता हूं। अगर मुझे कोई सार्थक बात दूसरे से सुननी है तो उसका निर्णय तो मैं ही करता हूं कि मुझे कोई सार्थक बात सुननी है, उसके लिए मैं शरीर का प्रयोग करता हूं, कान का प्रयोग करता हूं। मुझे कोई सार्थक बात कहनी है तो मैं अपनी वाणी का प्रयोग करता हूं। तो शरीर को तो मैं आवश्यकता अनुसार एक यंत्र की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह प्रयोग करता हूं, काम तो मुख्य मेरा ही है, और चूंकि मैं उसको यंत्र की तरह प्रयोग कर रहा हूं तो उसके प्रति जिम्मेदारी भी स्वीकारता हूं कि इसको स्वस्थ रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसका पोषण संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है, तो वो भी निर्णय मेरा ही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमको धीरे धीरे समझ में आएगी अगर हम एक्सरसाइज वन पर बहुत इंटेंसिवली काम करना शुरू कर दें। तो एक्सरसाइज टू पे काम करने के पहले ये सब बातों को हम लोग इसलिए ही करना चाह रहे थे कि अपने पे जो काम है वो ठीक से रिइंफोर्स हो जाए, तब एक्सरसाइज टू का काम भी बहुत आराम से होने लगेगा। जब हम अपने पर ग्राउंडेड रहते हैं, सेल्फ की जगह पर खड़े रहते हैं और सेल्फ में भी दृष्टा की जगह पर खड़ा रहते हैं, तो शरीर के साथ जो हम निर्णय पूर्वक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बाहर से जो इनपुट ले रहे हैं उससे अप्रभावित रहते हुए, ठीक है ना, उसको देख सकते हैं और उसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, अभी हमारा अपने पर तो ध्यान है ही नहीं और अपने दृष्टा पद में होने पर ध्यान नहीं है, तो हमारी अपनी कोई ग्राउंडिंग नहीं है। अब हम बाहर कुछ देखने जाते हैं तो बाहर को देखते देखते उससे प्रभावित ही हो जाते हैं, अब प्रभावित हो गए तो हम खुद ही डिस्टर्ब हो गए तो हम देख ही नहीं पाते। तो एक्सरसाइज वन को ठीक से काम किए बिना एक्सरसाइज टू पर करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें कठिन होंगी देखने में। एक्सरसाइज वन पर ठीक से काम हो जाए तो एक्सरसाइज टू में जो बात कही जाएगी वो तो बहुत आसान दिखेगी आपको, क्योंकि आप उसको पहले से देख पा रहे हैं। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ जो बात कही जा रही है वो सिर्फ उसको प्रॉपरली फॉर्मुलेशन दिया जा रहा है जो आपको दिख ही रहा है। तो उसके लिए पहले एक्सरसाइज वन पर ठीक से काम होने की जरूरत है, उस पर ठीक से काम किया जाए, है ना। जब आवश्यकता हो तो शरीर के साथ भी ट्रांजेक्शन कर लिया जाए, लेकिन मुख्य काम तो सेल्फ के लेवल पर होना है, मैं के लेवल पर होना है, चैतन्य के लेवल पर होना है, और वो काम हम लोग एक्सरसाइज वन में करते हैं। ये काम ठीक से होने लगे तो एक्सरसाइज टू पर बहुत आसानी से काम हो सकता है, उसको हम लोग आगे शुरू करेंगे। तो ये बात हम लोग कह रहे हैं एक्सरसाइज वन में, अभी तक हमारा ध्यान बाहर था, अब अपने तरफ ध्यान देना है। अपने तरफ ध्यान देने का जो काम है सेल्फ के द्वारा, सेल्फ का पर ध्यान देने का, उसको करने जाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो होश में रहने का है, जागरूक रहने का है,
अभी तक हम बाहर के प्रति जागरूक थे, अभी अपने प्रति जागरूक हो जाए और हर क्षण हम जागरूक बने रहे। जागरूक बने रहते हुए, सजग बने रहते हुए अपने में जो चल रहा है उसको देखने का काम करना है। और उसमें क्या करना है, तो अपने भाव विचार को देखने का, अपनी कल्पना शीलता को देखने का काम कर रहा है। और इसको करते समय दो बातें हम लोगों ने कही थी। एक तो ये कहा कि देखते समय कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, जो भी चल रहा है उसको देखना है और कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। दूसरा ये कहा था कि इस काम को हमको हरचन करना है, क्योंकि हरचन हमारे में कल्पनाशीलता चल रही है, भाव विचार चल रहा है, हम सुखी दुखी हो रहे हैं, इसलिए हरचन अपने को देखना है। तो ये स्टेप वन में हम लोग को करना था। पिछले दो तीन दिनों में हम लोगों ने इस बात को देखा कि मुख्य तो हमारा स्टेप वन ही है, बाकी जो सात स्टेप्स हैं वो उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। अगर पहले स्टेप को हम ठीक से काम करेंगे तो बाकी स्टेप होने लगेंगे। और उसके बारे आज जो बात हुई है उसमें ये कह रहे हैं कि हम पहला स्टेप का मतलब है कि हम दृष्टा के पद में हैं, होश पूर्वक हम बने हुए हैं और हम अपने ही नीचे की क्रियाओं को देख रहे हैं, नीचे में जो चल रहा है उसको देख रहे हैं, नीचे में जो हमारी समझ या मान्यता है उसको देख रहे हैं, जो भाव विचार है उसको देख रहे हैं, उसके आधार पर जो हम सुखी दुखी होते हैं उसको देख रहे हैं, ये सब देखने का काम कर रहे हैं। और प्रतिक्रिया करने नहीं करने का मतलब यह है कि हम नीचे के क्रियाओं के साथ बहने रहे, उन संस्कारों के आधार पर है ना प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ देख रहे हैं है ना, और हम अपनी स्थिति में बने हुए हैं। तो प्रतिक्रिया से मुक्त होकर हम देख रहे हैं, जो भी नीचे चल रहा है उसको देख रहे हैं, देख के उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। ये दो काम अगर हम करें कि देखें और उसका मूल्यांकन करें, उससे सफाई का काम चलता रहेगा। जो स्टेप दो से सात तक जो कुछ है वो सब चलता रहेगा। तो अगर हम ठीक से दृष्टा की जगह पर हैं और बिना प्रतिक्रिया के देख रहे हैं, देख कर मूल्यांकन कर रहे हैं, तो क्या क्या होगा ये नीचे लिखा हम लोगों। एक तो ये होगा कि हम ये देख पाएंगे कि इस क्षण हमारे में क्या भाव विचार चल रहा है, ये भी देख पाएंगे कि ये भाव सहज है कि असहज है, ये भी देख पाएंगे कि ये भाव सुखद है कि दुखद है। इतना अगर हम देख पाए कि कौन सा भाव सहज है, कौन सा असहज है, कौन सा सुखद है, कौन सा दुखद है, उसके फलस्वरूप ये होने लगेगा कि जो सहज भाव है उसकी निरंतरता होने लगेगी, जो असहज भाव वो धीरे धीरे विदा होने लगेगा या कम से कम कमजोर होने लगेगा। उसी को थोड़ा और फैला कर देखेंगे तो हमको ये देखने लगेगा कि संबंध व्यवस्था और अस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है, सुखद है, अन्यथा जो भाव है वो दुखद है, असहज है। ये दिख जाएगा तो फिर अपने आप ये काम होने लगेगा कि हमारे में संबंध का व्यवस्था का अस्तित्व का भाव बना रहेगा, एक भी क्षण के लिए विरोध का, अव्यवस्था का, संघर्ष का भाव नहीं आएगा। ऐसा हो जाए तो हर क्षण हम अपने में जो है सहज भाव के साथ होंगे, सुखद भाव के साथ होंगे, इसलिए सुखी रहेंगे। तो सार बात इतनी है, एक्सरसाइज वन में जो सात स्टेप में काम कर रहे हैं वो इतना काम हम लोग कर रहे हैं। तो स्टेप वन से शुरू करेंगे, स्टेप सात तक जाएंगे, लौट के स्टेप वन में आ जाएंगे। जब हम लौट के स्टेप वन में आएंगे तो पहले जब हम शुरू किए थे स्टेप वन में उससे ज्यादा हम है ना अच्छी स्थिति में होंगे, ज्यादा देर तक हम दृष्टा की जगह पर बने रहेंगे है ना। पहली बार जितनी बार हम लौट लौट के अपने संस्कार और भाव विचार में उलझे थे उतना भी नहीं उलझेंगे। तो फिर सेकेंड राउंड शुरू करेंगे, स्टेप वन में है ना बने रहते हुए दो से लेकर सात तक की गति फिर करेंगे, फिर लौट कर स्टेप वन में आएंगे। तो स्टेप वन को ठीक से करना है, उस पर ठीक से बने रहना है। तो दृष्टा की जगह पर, शुद्ध दृष्टा की जगह पर बने रहते हुए अपने सारे भाव विचार को, अपने संस्कार को देखने का काम करना है। उसको कैसे करना है उसके लिए स्टेप दो से सात तक हम लोगों ने बताया, उससे जरूर हम लोग को हेल्प मिली होगी, सहयोग मिला होगा पहली वाले स्टेप को ठीक से करने में। तो लौट लौट के स्टेप उसको करेंगे और जितना जितना हम दृष्टा की जगह पर होंगे
जितना जितना हम बिना प्रतिक्रिया किए चीजों को देख पाएंगे अपने अंदर की, उतना उतना हम अपने भाव को देख पाएंगे कि सहज है कि असहज है, सुखद है कि दुखद है। और इस पर देखते हुए प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, समता में बने रहेंगे, तो धीरे धीरे जो सहज भाव है, सुखद भाव है, उसकी निरंतरता होने लगेगी। जो असहज भाव है, दुखद भाव है, वो धीरे धीरे विदा होने लगेंगे। इस तरह से हमारा परिमार्जन होने लगेगा, हमारी सफाई होने लगेगी। और जितनी देर तक हम दृष्टा की जगह पर बने रहते हैं, उतनी देर तक हम आनंद में रहते ही हैं, सुखी रहते ही, उसमें कोई बाधा नहीं होती। नीचे भाव विचार कैसा भी चलता रहे, जब हम भाव विचार की जगह पर कूद पड़ते हैं तो समस्या है। लेकिन अभी तो हम बीच बीच में कूद ही पड़ेंगे, क्योंकि वही हमारा अभ्यास है, तो समय लगेगा इसकी सफाई होने में और अपने में दृष्टापद में बने रहने में। तो जो भी समय लगे उसमें अपने को धैर्य बनाए रखते हुए, है ना, स्टेप वन पर काम करना है और स्टेप वन के प्रकाश में स्टेप टू से स्टेप सेवन तक काम करना है। तो सार रूप में कहेंगे तो हम लोग ये कह रहे हैं कि शुद्ध दृष्टा की जगह पर बने रहते हुए, अच्छी की जगह पर बने रहते हुए हम अपने को देखने का काम करेंगे, अपनी सारी क्रियाओं को देखने का काम करेंगे, अपने भाव विचार को देखने का काम करेंगे और उसका मूल्यांकन करते हुए उसका जो भी परिमार्जन का काम है उसको करते रहेंगे। तो मुख्य तो स्टेप वन है, उसी को थोड़ा और विधिवत करने के दृष्टि से स्टेप टू से स्टेप सेवन तक हम लोगों ने बात किया। और जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं कि यही तरीका है, यही स्टेप है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने हम आप सबकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप्स वर्कआउट किए थे और ये हमको लगता है कि अभी उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे हमारे लिए। लेकिन इसके और भी तरीके हो सकते हैं, और भी स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए अगर ये उपयोगी है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर मुझे समप करना तो मैं यही कहूंगा कि स्टेप वन पर और गहराई से और गंभीरता से और निरंतरता से अपने को काम करने की जरूरत है। उसको करने के क्रम में स्टेप टू से स्टेप सेवन भी हमारे लिए उपयोगी होगा। जितना जितना हम इसको कर पाएंगे, जितना जितना स्टेप वन में हम ज्यादा स्थिर हो पाएंगे, ज्यादा दृष्टापद में बने रहेंगे, उतना उतना हम अपने में आराम में रहेंगे, उतना उतना हम बाकी नीचे में जो भी चल रहा है मय में उसको हम देख पाएंगे, उसकी सफाई कर पाएंगे, परिमार्जन कर पाएंगे, उतना उतना लौट कर स्टेप वन को और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जितना जितना उसको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे उतना उतना हम सुखी रहेंगे। तो सार बात इतनी है, जो हम लोग करना चाह रहे थे उसको हम लोगों ने एक्सरसाइज वन में शुरू किया है, मैं कहूँगा शुरू किया है। गति तो धीरे धीरे होगी, समय लगेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो 6 जून हम लोग 2020 में शुरू किए थे, तब से यहाँ बने, वो ज्यादा आधिकारिक रूप से इस बात को महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो बीच के 3 सत्र में जुड़े हैं, अभी कुछ लोग हैं जो 1 महीना पहले जुड़े हैं, तो अपने पास पूरे रेंज हैं जो इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। समय तो लगता ही है, लेकिन हर दिन हमारी स्थिति पहले से तो बेटर होती जाती है। तो इस अर्थ में प्रयास करते हैं। समय हो गया है, कोई 1-2 प्रश्न बहुत जरूरी हो तो अपन कर लेते हैं। कल से हम लोग एक्सरसाइज 2 पर काम शुरू करेंगे। तो अभी अपने को देखने का काम कर रहे थे, अब अपने को ध्यान से देखते हुए समय समय पर शरीर पर भी ध्यान देने का काम करेंगे, उसको भी देखने का काम करेंगे, उसके साथ जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का काम करेंगे। तो उस काम को कल करेंगे हम लोग। ठीक, बढ़िया। तो मेरी तरफ से इतनी बात हमको रखनी थी। सुनीता रानी जी हैं, उनका एक कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लेते हैं, या कोई शेयरिंग हो तो। ठीक, सुनीता जी को नहीं, मुझे लग रहा है कम्युनिकेट हो पा रहा है। राजेश अग्रवाल जी हैं, आपको कुछ कहना हो तो। नमस्कार भैया। नमस्ते, नमस्ते, बताइए।
ये साक्षी भाव जो बोल रहे हैं, मैं जी जब भी देखना चाहता हूँ कुछ तो शरीर तक तो ठीक है भैया, शरीर और सांस तक अपने को दिखता है कि मैं अलग हूँ, ये शरीर से कुछ हो रहा है या सांसें चल रही है। लेकिन जब विचार को देखने का बात आता है, जो विचार चल चुका है उसी को पर वही अपने फोकस में आता है। जब मैं साक्षी भाव बोल के बोल रहा हूँ तब तो मेरे में विचार होता नहीं है, या फिर वो विचार रुक जाता है, ये क्या होता है भैया? ध्यान दीजिए, दिखेगा धीरे धीरे। साक्षी होने से विचार बंद हो जाते हैं ऐसा नहीं है, साक्षी होने से हम विचार के भी साक्षी हो जाते हैं। अभी क्या है, हम अभी विचार में ही उलझे रहते हैं, हम विचार के साक्षी नहीं हो पाते। जब हम साक्षी की जगह से देखेंगे तो हम विचार को देख पाएंगे कि एक विचार चल रहा है, एक भाव चल रहा है, उससे हम सुखी दुखी हो रहे हैं वहां पर। तो जब हम साक्षी होकर देखेंगे बिना कोई प्रतिक्रिया किए, तो विचार तो हमको फिर भी दिखेंगे, भाव तो दिखेंगे, लेकिन अब उसके कारण हम दुखी नहीं होंगे। लेकिन जो दिखता है वो तो जो विचार चल चुका है, मैं या तो साक्षी होता हूं या विचार में रहता हूं। देखिए अभी तो लोगों को विचार भी नहीं दिखता है, अभी ध्यान दे रहे हैं तो कम से कम विचार तो दिख रहा है, बाद में दिखे, ठीक है ना। देखिए हम साक्षी होते हैं तो विचार नहीं चलता, ये हमारी मान्यता है, इसको ठीक से देखा जाए। जब हम साक्षी होते हैं तो हम रहे में सही विचार चलता है, गलत विचार मूल्यांकित होकर रुक जाता है, गलत भाव मूल्यांकित होकर रुक जाता है, लेकिन सही भाव नहीं चलता है ऐसा नहीं है। साक्षी के प्रकाश में सही भाव चलता है, उसकी निरंतरता होने लगती है। तो ऐसा नहीं होगा कि साक्षी नहीं, साक्षी हो गए तो अब हम विचार नहीं, भाव विचार नहीं होगा हमारे में, हम परस्परता में जीने का सोचेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। जब साक्षी का भाव, साक्षी होने के आधार पर हम देखते हैं तो हम सही भाव विचार को ही चलने देते हैं, बाकी अपने आप ही रुकने लगता है। सही चलेगा तो हम सही भाव विचार तो करेंगे ही, दूसरों के साथ सही जीने का तो सोचेंगे ही। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि साक्षी में जब कुछ भी टिकते हैं, अपन 1 मिनट के लिए भी टिकते हैं, तो उसके बाद अपने को रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है। अब देखिए ये दो अलग अलग बातें की आपने, आप पहले कहे कि विचार नहीं चलता है, अब कह रहे हैं कि रिलैक्स फील होते हैं, ये दो उसके अलग बाद अलग है ना। रिलैक्स तो फील होगा ही, साक्षी की जगह पर एक क्षण भी रहेंगे तो उस क्षण आप आराम में, लेकिन उससे ये निष्कर्ष कैसे निकाल रहे हैं कि विचार नहीं चल रहा है। महसूस कहीं नहीं ना कर कहीं पाता हूँ मान भैया। रहे हैं कि विचार चलेगा तो समस्या रहेगा, सहज विचार चलेगा तो समस्या नहीं है, सहज भाव होगा तो समस्या नहीं है, असहज भाव होता है तो समस्या है, असहज विचार होता है तो समस्या है। जब आपके अंदर प्रेम का भाव है तो समस्या है कि नहीं है? नहीं है नहीं है। देखिए अभी तक जितने भी बात किया ना वो यही है, जब हम सत्य के साक्षी होते हैं तो हमारे में प्रेम का भाव रहता है, करुणा का विचार होता है, और वो हमेशा चलता रहता है। तो समस्या प्रेम के भाव होने से नहीं है, समस्या घृणा के भाव होने से। साक्षी होंगे तो घृणा के भाव को बनाए नहीं रखेंगे, हम प्रेम का भाव बनाए रखेंगे, प्रेम के भाव के अर्थ में ही करुणापूर्ण विचार होगा हमारा, उसमें क्या हानि। एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा भैया, पहले भी मैं बहुत ज्यादा मतलब मेडिटेशन में बैठता था, लेकिन मेडिटेशन करना है इसीलिए मैं कर रहा था। लेकिन जब कुछ ऐसा एक स्थिति आया कि मेडिटेशन करने के बाद मेरे को भी इच्छा होता है कि मैं बैठूं, जी मेडिटेशन पहले बैठना है इसीलिए बैठता था, लेकिन अभी मैं एंजॉय करता हूँ उसको कि जी उसके बाद मेरे को रिलैक्स लगता है। तो जी पहले विचार चलते थे और मैं उसको बाद में ही देखता था, तो अभी क्या ये एक्चुअल साक्षी भाव आ रहा है इसीलिए मैं रिलैक्स फील कर रहा हूं उसके बाद। देखिए ये तो आपको तय करना पड़ेगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूं
कि मामला बैठना या खड़ा होना नहीं है शरीर के जगह पर, मामला यह है कि हम अपने प्रति होश में है कि बेहोश है ना। एक बात, चाहे वो बैठ के करें, चाहे करके चल के करें, चाहे कैसे भी करें, आंख खोल के आंख बंद करके। इस बात को हम लोग शुरू में ही बात किए एक्सरसाइज वन में जब बात शुरू किए थे तब। मामला यह है कि हम अपने प्रति होश में है कि नहीं, ठीक है ना। अपने प्रति होश में होने का मतलब है कि कम से कम अपनी कल्पना चिंता को हम देख पा रहे हैं कि नहीं, अपने भाव विचार को देख पा रहे हैं कि नहीं, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जब हम अपने भाव विचार को देख रहे हैं तो हम उस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं कर रहे हैं। तो होश में रहना और प्रतिक्रिया नहीं करना, ये दो काम आप जब करने जाएंगे तो आप धीरे धीरे दृष्टा की जगह पर पहुंच जाएंगे। और एक भी क्षण अगर आप दृष्टा की जगह पर हैं तो आप आराम में रहें। जब भी आप लौट के अपने भाव विचार की जगह पर आएंगे और भाव में कुछ गलती होगी तो आप दुखी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी इस जगह पे अपने को काम करना है, अपने को देखने पर काम करना है। और अपने को देखते समय हम दृष्टा की जगह से देख रहे हैं या भाव विचार की जगह से ही हम आ गए वहीं पर देख रहे हैं, ये धीरे धीरे अपने को स्पष्ट होना चाहिए। अभी हम क्या मानते हैं कि भाव विचार चलेगा तो गलत ही चलेगा और दुखी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सही के अर्थ में भाव विचार चलेगा, सहज भाव होगा तो सुखी होंगे, सहज भाव के आधार पर विचार होगा तो हम सुखी रहेंगे। ये सहज भाव चले, सहज विचार हो, इसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए दृष्टा की जगह पर होकर देखना है कि क्या सहज है क्या सहज नहीं है। इतना देख लेंगे तो जो सहज होगा वो चलने लगेगा, जो असहज होगा धीरे धीरे कितने लगेगा। और समय तो लगेगा ही, जैसा बार बार बात हो रही है अच्छी लगेगा, पर लगने दिया जाए, क्या है, समय की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं, अभी कोई जल्दी नहीं करते हैं, निर्णय इसके बारे में खुला रखते हैं, है ना, इस पर काम करते हैं, आराम आराम से निष्कर्ष निकालेंगे। तो हम लोगों ने यह बात कही कि एक्सरसाइज वन में जितना काम हम लोगों ने किया है, जिसमें मुख्य पर्पस जो था वो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का था, वो काम हम लोगों ने किया। और इस काम को करते हुए ये तो हम लोग को दिखने लगा है कि हमारा जीना जो है वो मुख्य रूप से स्वयं के स्थिति पर निर्भर करता है। एक भी क्षण अगर हमारे में कोई ऐसा भाव आता है जो हमको सहज स्वीकार नहीं है, उस क्षण हम दुखी हो गए। जिस क्षण भी हमारे में कोई ऐसा भाव होता है जो हमको सहज स्वीकार है तो हम उस क्षण सुखी होते हैं, बाहर की स्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल। तो मेरा सुख दुख तो मेरे भाव विचार पर निर्भर करता है, मेरे होश पर निर्भर करता है। तो अगर हर क्षण मैं अपने प्रति होश में हूँ, हर क्षण मैं अपने भाव विचार को देख पा रहा हूँ, हर क्षण मैं ये देख पा रहा हूँ कि संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है सुखद है, और इसलिए हर क्षण अपने में संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व के भाव को सुनिश्चित कर पा रहा हूँ, तो मैं हर क्षण अपने में सुखी हो सकता हूँ। बाहर की परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, मैं तो हर क्षण सुखी रह सकता हूँ। तो ये बात अगर हमको दिखने लगती है तो हमको ये समझ में आता है कि मेरा जो मनुष्य के रूप में होना है उसके केंद्र में तो मैं ही हूँ, उसके केंद्र में तो चैतन्य इकाई ही है, उसके केंद्र में तो सेल्फ ही है। ये बात हमको दिखती है अपने में, ये बात हमको हर क्षण दिखनी जरूरी है। तो हर क्षण मैं अपने प्रति होश में रहूं, हर क्षण मैं अपने भाव विचार का मूल्यांकन कर पा रहा हूं, हर क्षण मैं इस बात को देख सकूं कि संबंध व्यवस्था और सस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है, और हर क्षण अपने में ये भाव को सुनिश्चित कर सकें, ये हमारे जीने का केंद्र है।
मनुष्य के रूप में जीने में जो मुख्य बात है, जो केंद्रीय बात है वो ये है। तो इस काम को हमको हरचन करना है। इस काम को करते हुए कभी कभी आवश्यकता अनुसार शरीर पर भी ध्यान देना है। शरीर हमारे लिए एक उपयोगी साधन है, तो जब भी आवश्यकता होती है तो शरीर पर ध्यान देते हैं। तो आवश्यकता अनुसार शरीर पर ध्यान देते हैं। बहुत मोटा मोटी देखेंगे तो कब आवश्यकता बनती है? जब शरीर का पोषण करना है, शरीर को पोषण के लिए कुछ हमको देना है, शरीर में कुछ खिलाना है पिलाना है, तब शरीर पर ध्यान देते। और उसमें भी ध्यान क्या देंगे हम तो क्या करना है उसका निर्णय लेंगे, निर्णय लेके शरीर को संकेत देंगे तो शरीर को आगे बढ़ाएगा। तो जब शरीर का पोषण करना है तो शरीर पर ध्यान देते हैं, शरीर का संरक्षण करना है तो शरीर पर ध्यान देते हैं। तो हम दिन भर इस बात पर ध्यान नहीं देते रहते कि शरीर को गर्मी लग रही है कि ठंडी लग रही है, कुछ हो रहा है। लेकिन अगर ठंडी ज्यादा बढ़ गई है ना, तो मैं बीच बीच में उस सूचना को देख लेता हूँ और लगता है कि अभी ठंडी ज्यादा बढ़ गई है तो शरीर को कुछ स्वेटर पहना देता हूँ, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। सामान्य तापमान में हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस बात को लेकर शरीर के कि उसको ठंडक तो नहीं लग रही। लेकिन जब वातावरण बदल रहा है, तापमान बदल रहा है, तो एक समय पर हम देख लेते हैं कि अब तापमान कम हो गया है, अब इस तापमान में शरीर को के स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं होगा, तो हम एक कपड़ा पहना देते हैं। तो शरीर का जब पोषण करना है, शरीर का जब संरक्षण करना है, उसके संदर्भ में मुझे कोई निर्णय लेना है, तब हम शरीर पर ध्यान देते हैं, शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़ते हैं और उसका जो भी उपाय करना है उसको करने का संकेत दे देते हैं। इतना काम। तो पोषण को लेकर, संरक्षण को लेकर ध्यान दे। तो ये तो जो हमको शरीर के लिए करना है उसके संदर्भ में ध्यान देना है। जो हमको शरीर का सदुपयोग करना है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई सदुपयोग है, उसका कोई उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, तो उसके संदर्भ में भी ध्यान देते हैं। तो अगर मुझे आपसे कोई बात कहनी है, कोई अच्छी बात दूसरे तक हमको सार्थक बात पहुंचानी है, तो उसके लिए हम शरीर का प्रयोग करते हैं। हम कुछ बोलते हैं, बोलने का काम तो शरीर से ही करते हैं, क्या बोलना है उसका निर्णय हम करते हैं। तो जब शरीर का सदुपयोग करना है तो शरीर पर ध्यान देते हैं, शरीर से जो बोलना है उसकी सूचना हम शरीर को देते हैं, वैसा उच्चारण करते हैं मुंह से। तो ये तीसरा काम है। तो तीन चीजों के लिए ध्यान देते हैं, शरीर के पोषण के लिए शरीर पर ध्यान देते हैं, के साथ इंटरेक्ट करते हैं, शरीर के संरक्षण के लिए शरीर पर ध्यान देते हैं, शरीर के सदुपयोग के लिए ध्यान देते हैं। पहला दो शरीर को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, और तीसरा वाला हम अपने को ध्यान में रखकर कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या कार्यक्रम है, उसके तहत शरीर का क्या सदुपयोग हो सकता है, उसको केंद्र में रखकर देखते हैं। इन तीन कारणों से हम शरीर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जब भी इसकी जरूरत पड़ती है तो हम शरीर पर ध्यान देते हैं, शरीर के साथ आदान प्रदान जो भी हमको करना है, ट्रांजेक्शन करना है, उसको हम करते हैं। इस बात को हम लोग एक्सरसाइज दो में देखेंगे। इसी तरह से आवश्यकता अनुसार समय समय पर बाहर के संसार के साथ भी हम आवश्यकता अनुसार आदान प्रदान करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो ये दो काम हम लोग एक्सरसाइज टू में करेंगे। लेकिन इसमें जो बात मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाह रहा था वो यह है कि इसको करते समय हमारा ध्यान पूरा सेल्फ पर बना रहेगा। सेल्फ पर तो हर क्षण ध्यान बना रहेगा, हम सेल्फ को केंद्र में रखकर, स्वयं को केंद्र में रखकर ही ये सारा कुछ इंटरेक्शन करेंगे। तो अपने को केंद्र में रखकर, अपने में हरचन ध्यान बनाए रखते हुए, अपना हरचन बुझाकर करते हुए, हरचन अपने में सहज भाव को सुनिश्चित करते हुए,
संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव को सुनिश्चित करते हुए अपने में संगीत में रहते हुए सुखी रहते हुए आवश्यकता अनुसार समय समय पर शरीर के साथ शरीर पर भी ध्यान देंगे। शरीर के साथ जो भी हमको इंट्रैक्शन करना है वो करेंगे। इसी तरह से बाहर के संसार से भी जो इंट्रैक्शन करने की आवश्यकता दिखेगी ना करेंगे, लेकिन वो बहुत सामयिक होगा, आवश्यकता अनुसार होगा। तो इतनी बात हमको कहनी है समअप करने की दृष्टि से और अगले अध्याय के अगले एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करने की दृष्टि से। तो कल से कुमार जी एक्सरसाइज 2 पर काम शुरू करेंगे।